सिखाने वाला हूं एमएस एक्सेल का बेसिक पार्ट कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, विंडोज आर से रन कमांड लाना है, और रन कमांड लाने के बाद यहां पर आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा एक्सेल। क्या टाइप करना पड़ेगा? एक्सेल। और नीचे यहां पर दिखा दिया, बस आप क्या करना, क्लिक करना है, इसके बाद यहां से ओके कर देना, तो यह आपका एमएस एक्सेल जो है यहां पर शीट आपका लेकर के दे देगा। ये आपका हो गया नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका जो है, माउस का डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये आपका हो गया डिलीट। यहाँ पर मेरा एक्सेल ओपन है इसलिए नहीं डिलीट हो पा रहा था, इसको करता हूँ डिलीट। अब यहाँ से राइट क्लिक करना है और न्यू वाले ऑप्शन पर आना है, और न्यू वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पर मिल जाएगा एमएस जो है सॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। बस आप लोगों को यहाँ क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक एक्सेल का वर्कशीट यहाँ पर दे दिया है, और बस इसको क्या करना है, क्लिक करना आप लोगों को है डबल क्लिक, और ये आपका एमएस एक्सेल जो है यहाँ पर ओपन करके दे देगा। ये हो गया नंबर जो जो है 2। और नंबर 3 की हम बात करते हैं, तो नंबर 3 के लिए आप लोगों को विंडोज में जाना पड़ेगा। तो विंडोज वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, और कोने में कॉर्नर में दिया रहता है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में विंडोज दिया रहता है, तो क्या आप करना है क्लिक। और इसके बाद जिसको विंडोज नहीं पता है वह मैं शॉर्टकट की का यहाँ पर यूज करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपका हो गया डेस्कटॉप पर, एक ऐसा ही आपके सिस्टम के कॉर्नर पर दिया रहेगा, तो यहाँ क्या करना है, बस क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके कॉर्नर का मतलब जो विंडोज है वो आपको पूरी तरीके से ओपन करके दे देगा। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है मेरा। और इससे क्या करना है, आपको एक्सेल ढूंढना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो है आप लोगों को ऑफिस क्या करना है, ढूंढना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ पर मिल गया, बस यहाँ पर क्लिक करना है, और इसमें आपको वर्कशीट ढूंढना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का। तो वर्कशीट आप लोग क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर आते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो हमारा टूल था, नीचे दिया गया है यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आ गया आपका एक्सेल, और इसको क्या करना है, यहाँ से ओपन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बस क्लिक करना है, तो ये अभी आपका ओपन करके दे देगा, ये तीसरा मतलब यहाँ पर काम करने लगा। ये आपका हो गया एमएस एक्सेल को ओपन करने का तरीका। ओके, अब इसमें अब हमको बेसिक जानना है कि ये सब चीजें क्या है। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, और क्योंकि हमारा जो भी वीडियो आता रहेगा आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मोबाइल पर पहुंच जाएगा। आप लोग वहां से जो है एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, ईटीसी जो है आदि जो है यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरा वीडियो को। तो यहाँ पर बेसिक अब हम बताने वाले हैं, तो आप क्या करना है बेसिक में, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हम काउंट यहाँ पर कर दे रहे हैं ये चीजें। चलिए, इतना हमारे पास टाइप क्या हो गया है, यह जो है सेल जो है मैं फिल कर लिया हूं। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो ऊपरी हिस्सा होगा यहां पर देख सकते हैं ना, ये लिखा गया है बुक 1। ये जो बुक 1 लिखा गया है इसको हम बोलते हैं क्या, टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। और यहां पर दिया गया है एक छोटा सा, इसको नोट कर लीजिएगा, यह दिया गया टाइटल बार इसको बोलते हैं। यहां पर एक छोटा सा दिया गया, इसका नाम है यहां पर क्विक एक्सेस टूल बार।
इसको बोल सकते हैं क्विक एक्सेल टूल बार, इसको बस क्लिक करना है तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोल सकते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, तो यहाँ पर इसको जो है कस्टमाइज एक्सेस टूल बार यहाँ पर दिया गया है, इसका इस बटन का नाम है, ध्यान में रखेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मिनिमाइज बटन, यह मिनिमाइज होता है, जैसे मिनिमाइज अगर क्लिक कर देंगे तो यह आपका जो है हमारे टास्क बार में यह जाकर के क्या हो गया, छुप गया है, राइट। अब इसको ओपन करना है तो फिर टास्क बार में जो छुपा है वहां पर बस आप लोगों को क्या करना, क्लिक करना है, यह ऑटोमेटिकली यहां से ओपन होकर के आ जाएगा। और यहां पर बात करते हैं रिस्टोर की, तो रिस्टोर आप लोगों को बस यहां पर क्लिक करना है, ये आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई देगा एक छोटा से आकार में, राइट। अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो यहां पर मैक्सिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो यह बड़ा हो जाएगा। अब पहचानेंगे कैसे, आप जब यहां पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूं, यहां पर देखेंगे एक सिंगल आयता रेक्टेंगल मिलेगा, सिंगल आयताकार अगर रहेगा या मैक्सिमाइज करने के लिए आएगा, अगर इसमें डबल आ जाएगा, यहां पर देख सकते हैं डबल आ गया है, तो डबल अगर आ जाएगा तो इसको बोल सकते हैं रिस्टोर डाउन। ओके, अब यहां पर बच रहा है क्लोज बटन, क्लोज से आप डेट से क्लिक करेंगे तो यह आपका जो बंद हो जाएगा सिस्टम, और यह जो है आपको इसमें तीन ऑप्शन दे देगा, इसको सेव करना है, इसको नहीं सेव करना है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, यह आप लोग तीन ऑप्शन का यूज जो भी आप लोग चाहते हैं, मैटर सेव करना तो कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हैं, या तो या इसको कैंसिल कर सकते हैं, या तो अगर नहीं सेव करना तो बस ऐसे ही रहने दे रहा है, और तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, मैं लास्ट में दिखा दूंगा। ओके, यहाँ पर टाइटल बार, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपका मिनिमाइज, और यहाँ पर रिस्टोर, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका मैक्सिमाइज का ऑप्शन दे देगा, तो मैक्सिमाइज भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज का ऑप्शन, ये एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, इसको हम लोग जो है कंट्रोल F1 के माध्यम से आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल F1 के माध्यम से यूज कर सकते हैं, तो F1 मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, कंट्रोल जो है F1 जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपका मेन्यू बार सॉरी टूल बार जो है क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है, राइट। अब इसको यहां से क्लिक करना है तो F1 से ही, कंट्रोल प्लस F1 से ही वो आ जा रहा है, तो इसको मैं ट्राई करके दिखा दे रहा हूँ, बस यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखा गया ऑटो हाइड रिबन, तो ये जो रिबन है मतलब होम इंसर्ट लेआउट फार्मूला डेटा, यह ऑटोमेटिकली यहां से गायब होगा, मतलब यह रिबन गायब होगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर शो टैब बटन गायब होगा, और यहां से शो मतलब कमांड मतलब यूज कर सकते हैं यह टूल बार के लिए, मैं तीनों का ऑप्शन यूज करके दिखा दे रहा हूं। यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले जो हाइड दिया गया और रिबन के लिए, तो मैं जैसे यहां पर क्लिक करूंगा यह आप देख सकते हैं कि रिबन आपका गायब हो चुका है। ओके, रिबन मतलब ये पूरा आपका, यहां पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन पूरा आ जाएगा फिर से, अब यहाँ पर क्लिक करना, ये देख सकते हैं शो टैब्स, खाली टैब्स बटन ही गायब किया, मतलब ये जो टैब में दिया गया था ना आपका टूल बार, इसको बोल सकते हैं तो टूल बार आपका गायब हो चुका। अब यहाँ पर नेक्स्ट की बात आती है तो शो यहाँ पर शो करा सकते हैं, राइट, यहां से क्या करना है शो कराना, मतलब जो भी आपका यहां से हाइड हो चुका है इसको क्या कर सकते हैं, यहां से शो करा सकते हैं। ओके, इसके लिए मैं शॉर्टकट की भी बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस F1। हाँ, एक तरीका और है यहाँ पर, जैसे कि आपका यह जो रिबन या टैब बटन यहाँ पर गायब हो रहा है और टूल बार, तो इसको कैसे लाना है, किसी भी एक मेन्यू पर, किसी भी एक मेन्यू पर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देना ऐसे है यहाँ पर, तो आपका क्या हो जाएगा, यह जो टूल बार दिख रहा था वह ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है, अब इसको लाना है तो बस यहाँ पर डबल क्लिक करना, किसी भी एक मेन्यू पर डबल क्लिक कर देना है, यह ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। ओके, अब यहां पर बात करते हैं, तो यहां पर बात करने के लिए ये जो टाइटल बार दिया गया, इसमें भी देखिए एक वो है, जब इसको क्लिक करना है कैसे, डबल क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं ये आपका जो है रिस्टोर हो गया, और डबल क्लिक करना है तो मैक्सिमाइज भी हो गया। ओके, अब यहां से विंडोज से भी कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज दबा करके आपको यहां पर अप वाला क्या करना है, यहां पर लेफ्ट अगर करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दर्शा दे देगा। ओके, क्लियर है, राइट साइड में विंडोज एरो डाउन है, मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर एरो डाउन अगर करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, अगर मिनिमम मतलब एरो डाउन मतलब नीचे करना है तो यहाँ पर ऐसे दिखा देगा। ओके,
अगर इसको लाना है तो विंडोज अप वाला एरो जो है की को यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करके मैक्सिमाइज कर दे रहा हूं, क्लिक क्लियर हो गया। इतना मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूं, कंट्रोल विंडोज प्लस ओ, तो मैं यहाँ पर कैसे यूज कर रहा हूं, ये देख रहे हैं विंडोज है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये दिया गया है लेफ्ट एरो, मैं राइट एरो, या सॉरी यहाँ पर राइट एरो, लेफ्ट एरो, और ये अप या डाउन दिया गया। डाउन में क्लिक करेंगे तो आपका ऐसे दिखाई देगा, फिर विंडोज से आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाएगा, फिर विंडोज में आप क्लिक करना है तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, क्लियर ना? तो यह चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा, आप इसका यूज आसानी से कर सकते हैं। ओके, विंडोज प्लस एरो ये ध्यान में रखिएगा, विंडोज विंडोज आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा, प्लस एरो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो मैं ये आस करता हूं इसको क्लोज, क्योंकि तो इसका काम मुझे नहीं है। ओके, अब इसमें दिया गया है ये आपका टाइटल बार, मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज, यहाँ पर जो दिया गया है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं जो है यह कस्टमाइज मतलब रिबन को हाइड करने के लिए, टूल बार को हाइड करने के लिए, राइट। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये आपका हो गया, ये इसको बोल सकते हैं मेन्यू बार, क्या बोल सकते हैं, मेन्यू बार, जैसे कि होम दिया गया है, इंसर्ट दिया गया है, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेन्यू बार। अब इसी के नीचे जस्ट यह जो दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, यह ऑटोमेटिकली यहां से आ रहा है जा रहा है, इसको क्या बोल सकते हैं, टूल बार। अब जस्ट इसी के नीचे आपको यहां पर, आपको यहां पर जैसे यहां पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए L9 हो गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर H3 हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए B20 हो गया, P20 हो गया, यहाँ पर क्लिक करना है तो यहाँ पर C16 हो गया। ओके, तो यह जो यहाँ पर शो कर रहा है ये वाला, इसको बोल सकते हैं क्या, नेम बॉक्स। ओके, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यह ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिखाई दे देगा कि यह नेम बॉक्स है। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं फार्मूला बार, फार्मूला बार आपका यहाँ पर शो करने वाला यह हो गया फार्मूला बार, इसको हम बोल सकते हैं फार्मूला, जो भी अभी इसमें कोई हमके लगाना है, जैसे कि मान लीजिए सब कोष्ठक आन, इसको मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं यह 216 रिजल्ट दे दिया, और प्लस ये क्या किया आपका 16 मतलब फार्मूला इसमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, अब यहां पर इंसर्ट फंक्शन बटन बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर देखिए ठीक सामने यहां पर दिया गया है इंसर्ट फंक्शन, इसका नाम भी दिया गया यहाँ पर देखिए शो कर रहा है हल्का से, यहाँ पर इसका नाम जो है इंसर्ट फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम जैसे कि रिबन कन्वर्टर सी, रिबन हम इसको बोल सकते हैं, यह वाला जो एरिया दिया गया है, और यहाँ पर वर्कशीट फ्रेम, वर्कशीट फ्रेम हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ए और वन, ए और वन के बीच में ये हल्का से यहाँ पर देख सकते हैं काला पॉइंट दिया गया, इसको हम बोल सकते हैं क्या, वर्कशीट फ्रेम। ओके, जब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका देखिए वर्कशीट जो है पूरा पूरा यहाँ पर सेलेक्ट हो जा रहा है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑल बटन, ये आपका सेलेक्ट ऑल बटन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर जो ये ग्रीन का कलर का दे रहा है ना, इसको हम बोल सकते हैं क्या, सेलेक्ट ऑल बटन। ओके, अब फ्रेम, अब जैसे कि ये दिया गया है वन सॉरी ए बी सी डी, यहाँ पर दिया गया ना, यह आपको मिल जाएगा एक्स एफ डी तक, लास्ट इसका है एक्स एफ डी, और यहां से यह आपका जो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5, इसको हम जो है यहां पर इसको देख सकते हैं, यहां पर है कहां से 10 48 576 तक। ओके, तो यह जो आपका एरिया है मतलब ए बी सी डी, प्लस यह जो काउंटिंग कर रहा है इसको बोल सकते हैं क्या, हेडिंग। ओके, इसमें कोई डाउट? चलिए आप देखिए यह जिस पर हम काम कर रहे हैं, इस जिस एरिया पर हम काम कर रहे हैं इसको क्या बोल सकते हैं, वर्कशीट। ओके, वर्कशीट या वर्कबुक यहां पर बोल सकते हैं, क्लियर है। ओके, अब यहां पर यह रो हेडिंग हो गया, यह आपका रो होता है और यह आपका कॉलम होता है, यह ध्यान में रखिएगा, जो मतलब 1 2, जैसे कि यहां पर लिखा जाएगा 1 और 2, यहां पर मैं लिख दिया 2, जो इस तरीके से गिनती आएगा उसको आप क्या बोलिएगा, रो बोलिएगा। ओके, क्योंकि यह आपको इस तरीके से काउंटिंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा, यह क्योंकि हमेशा इस तरीके से काउंटिंग करेगा, इसीलिए इसमें बच्चे कुछ डाउट हो जाते हैं,
याद रखिएगा, जब इस तरीके से जो काउंटिंग कर रहा है इसको बोलते हैं क्या, रो। ओके, अब जो इस तरीके से काउंटिंग करेगा यह वाला तरीका, इसको बोल सकते हैं कॉलम। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं ए बी सी डी, चलिए। तो यह जो आप इसको काउंटिंग कर रहा है, ओके, तो यह आपका कॉलम हो गया। जो मतलब खड़ा यहां पर ऐसे काउंटिंग करे उसको बोलते हैं कॉलम, और जो इस तरीके से बोलते हैं उसको बोलते हैं रो। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहां पर तो अब यहां पर हो गया स्क्रॉल। स्क्रॉल किसको बोल सकते हैं, यह जो आपका यहां से ऊपर नीचे यहां पर रो यहां पर लिखा गया है, रो वन रो टू यहां पर दिख रहा है ना, इसको बोल सकते हैं क्या, स्क्रॉल। यहां पर स्क्रॉल बटन, यहां पर इसको बोलते हैं वर्टिकल और नीचे वाले को हॉरिजेंटल। ओके, क्लियर है ना इतना। इसको बोल सकते हैं वर्टिकल, और मैं इसको थोड़ा सा रिबन यहां पर क्लिक कर दे रहा हूं। ओके, अब यहां देख सकते हैं इसको बोल सकते हैं क्या, हॉरिजेंटल, और इसको क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल। ये जो दिख रहा है यहाँ पर इसको बोल सकते हैं वर्टिकल, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हॉरिजेंटल। क्लियर हो गया इसमें। अब यहाँ पर जूमिंग एरिया बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर जब जूम करेंगे तो यह अगर संख्या यह जूमिंग क्या बढ़ा रहा है तो यह इन होता है, अगर मैं कम करेगा तो आउट होगा, मतलब यह बाहर जा रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर इन मतलब आ रहा है, अंदर आ रहा, मतलब बढ़ रहा है। ओके, तो यहां पर इस तरीके से जब इन की बात आ जाएगा तो ध्यान में रखिएगा, इन मतलब क्या होता है, बढ़ा, और आउट मतलब घटा हुआ, राइट ना। तो यह आपका जूमिंग एरिया जो है, यहां पर आपको 10 से लेकर के कितना तक मिलता है, आपको यहां पर 400 तक आपका जूमिंग एरिया मिलता है यहां पर। ओके, एमएस वर्ड में आपको 500 तक मिलता है, और यहां पर लिब्रे ऑफिस में आप लोगों को मिल जाएगा 20 से लेके 600 तक, मिनिमम 20 मैक्सिमम 600। ओके, अब यहां पर बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट। यहां पर आप यहां पर देखिए इसका नाम जो है, ये जो छोटा सा एक बटन यहां पर दिख रहा है ना आप लोगों को, ये छोटा सा इसका नाम है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, एक्सपेंडर फार्मूला बार। ओके, तो यहां पर फार्मूला बार भी आप बोल सकते हैं, मतलब इसमें एडजस्ट करता है फार्मूला, और भी मतलब यूज करने के लिए, मतलब बड़ा यूज करने के लिए। ओके, अब यहां पर हो गया पेज वर्क प्रीव्यू। यहाँ पर यह जो दिखा गया पेज, यहाँ पर देखिए नीचे भी लिख क्या आ रहा है, पेज ब्रेक प्रीव्यू, और इसी तरीके से इसको बोलते हैं पेज लेआउट, और यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल के लिए होता है, और पेज लेआउट के यहाँ पर, और इसको जो है बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं हम सीट की, तो सीट में आ जाएंगे आप लोग, यहाँ पर सीट जो है, यहाँ पर वर्कशीट जिसको बोल सकते हैं, वर्क टाइप मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ, तो ये आपका जो है एक और शीट यहाँ पर बढ़ा देगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, शीट टैब। ओके, शीट टैब। और यहां पर ये जो प्लस वाला दिया गया इसको ध्यान में रखिएगा, इंसर्ट वर्क शीट बटन, हाँ इसको जो है शीट मैं यहां पर दिख दे रहा हूं, शिफ्ट F11 से एक और भी शीट यहां पर ला सकते हैं। ओके, यहां पर न्यू शीट इसको भी बोल सकते हैं आप लोग, है ध्यान रखिएगा, न्यू सीट प्लस यहाँ पर सीट जो है F11, ये आप लोग नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये बेसिक जानकारी है आप लोगों को, यहाँ पर दोबारा जो है नया मिलने वाला। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स, ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ना, इसका नाम जो है डायलॉग बॉक्स। ओके, क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर एक्टिव सेल किसे बोलते हैं, जैसे मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पर मैं काउंट कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मुझे यहां से यहां तक सेलेक्ट करना है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्टिव, क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल, मतलब यहां से यहां तक एक्टिव, मतलब यह तुरंत चालू कर दिया। ओके, क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं, यह जो पॉइंट ऐसा धन देख रहे हैं ना, यहां पर इस तरीके से जो धन आ रहा है यह वाला, इसको बोल सकते हैं आप क्या, ऑटो फिल। तो यहां पर जैसे ड्रैग करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, मैं यहां पर दे रहा हूं, अब यहां पर डी डी ऑटोमेटिकली यह फिल कर देने वाला। ओके, अगर मुझे दो का टेबल नहीं आ रहा तो बस दो दुना के चार यहाँ क्लिक करना है, और इसको सेलेक्ट करना, पहले एक्टिव कर लेना है, इसके बाद ऑटो फिल कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली यह निकाल के आपको दे देने वाला। ओके, अब बात करते हैं यह वाला जो धन दिख रहा है ना, यह वाला धन इसको बोलते हैं एक्टिव, और यहां पर बोलते हैं धन वाले को यह बोलते हैं ऑटो फिल। और अब यहां पर इस वाले पॉइंट को इसको बोलते हैं मूव सेल पॉइंट। ओके, ये देखिए आप यहां से क्या कर सकते हैं, मूव हो गया आपका, यहां से इधर भी कर सकते हैं,
जहां चाहते हैं वह इस एरिया में इसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हम थोड़ा सा इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं, यहां पर इस एरिया को इतना और इधर को इतना कर दे रहा हूं। ओके चलिए अब यहां पर जैसे कि मैं यहां पर क्लिक किया, अब इसको अगर कंट्रोल ए के माध्यम से अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि ये इतना ही एरिया सेलेक्ट कर रहा है। ओके अगर मैं यहां पर कंट्रोल ए कर रहा हूं तो ये देख सकते हैं इतना एरिया सेलेक्ट कर रहा। अगर मैं यहां पर अगर क्लिक करके कंट्रोल ए अगर ए करूंगा तो ये देख सकते हैं इतना एरिया सेलेक्ट कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में एक गैप लाइन है, गैप लाइन है। अगर मैं यहां पर अगर क्लिक करूंगा तो गैप के इधर ही ये सेलेक्ट करेगा। अगर इसमें मैं कुछ भी पॉइंट अगर लिख दिया यहां पर, तो अगर यहां पर आप चाहे क्लिक करें तो आपको यह आपको पूरा एरिया सेलेक्ट करके दे देगा। अगर यहां पर गैप अगर आ गया तो जिस जितना भी गैप मतलब एरिया उसका रहेगा वह उतना ही एरिया यहां पर सेलेक्ट करने वाला। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर यह जो आपका कॉलम और रो से मिलकर के एक प्रतिच्छेदन मतलब जो एक क्रिया मतलब बना रहा है यहां पर, इसको बोल सकते हैं कितना सेल, क्या बोल सकते हैं सेल। इस सेल में एक सेल में कम से कम जो है 255 से 256 कैरेक्टर आप लोग क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। अब बात आ रही है इसको एडजस्ट करने की। अगर इसको एडजस्ट करना, जैसे कि ये कॉलम हो गया, बी कॉलम हो गया, सी कॉलम हो गया, डी कॉलम हो गया, तो इसके लिए आप लोग बस इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्या करना है, डबल टैप कर देना है। ये ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली यार जो एडजस्ट करके दे दिया। या तो आप जाएंगे कहाँ पर, यहाँ पर सॉरी होम मेन्यू में और फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ को बस क्लिक कर देंगे तो ये जो है आपको एडजस्ट करके ये दे देने वाला। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसको अगर डिलीट करना होगा तो आप सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ जो है डिलीट कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जैसे कि अगर सेल को मर्ज करना तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए हम टेक्स्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये आपका देवराज में लिख दिया। यहाँ पर अगर इसको टेक्स्ट को रोटेट करना है तो यह रोटेट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट आप लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं जिसमें एंगल में आप लोग चाहते हैं वहां पर क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग अपनी इच्छा अनुसार यहाँ रोटेट कर सकते हैं। ओके अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे कहते हैं हमसे कि सर एक सेल में अप डाउन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। मैं जैसे कि यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए ये आपका आशीष कुमार मतलब ये नीचे आपका आ गया है, यह एक ही सेल में है लेकिन ये ऊपर नीचे। आप जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे ASH, इसके बाद यहाँ पर अगर इंटर मारेंगे तो ये निचले वाले फिर सेल में लिखना कार्यक्रम कर देगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर यूज करना है किस चीज का, यहाँ पर देख सकते हैं रैप टेक्स्ट। ओके आप अगर इसका शॉर्टकट की आप प्रयोग करना चाहते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं Alt+Enter, तो Alt+ यहां पर इंटर जो है रैप टेक्स्ट के लिए यहां पर प्रयोग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बेसिक में मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।